नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी भाइयों बहनों का एक बार फिर स्वागत है। आज के दिन की हॉट खबर कह सकते हैं, ब्रेकिंग खबर कह सकते हैं, शोर मचा हुआ है डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। हर कोई अपना अपना चूरन बेच रहा है, कोई अपना मंजन बेच रहा है, कोई गिद्दा डाल रहा है, कोई भंगड़ा डाल रहा है कि कैनेडा में PTE एक्सेप्ट हो गई है। कुछ नहीं हुआ ऐसा, बेवकूफ मत बनो। आज कनाडा ने अगर PTE को एक्सेप्ट करा है तो पहली बात तो ये है कि 10 अगस्त से वो चीज़ मान्य होगी। 10 अगस्त तक अभी टिक के बैठिए आप। अगर आप 10 अगस्त तक कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको अपनी फाइलें IELTS से ही लगानी है। IELTS एक प्रेफर्ड टेस्ट है जो सदियों से चला आ रहा है और IELTS के माध्यम से हजारों लोगों ने PR ली है और लोग कनाडा जाके बसे हैं। क्या नई अपडेट आई है? नई अपडेट आई है कि PTE कनाडा के STS वीजा सिस्टम में मान्य हो गया है, जरूर मान्य हो गया है, 10 अगस्त से मान्य हुआ है। उसके अंदर क्लैरिटी आई है कल कि कितने स्कोर के ऊपर SDS में फाइल आपकी एक्सेप्ट होगी। जैसे IELTS को बोला जाता है कि IELTS में 6 ईच बैंड चाहिए, आपके राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सब में 6-6-6 चाहिए होते हैं। ऐसे ही PT में क्लैरिटी आई है कि PT में 60-60-60 चाहिए। 60 का मतलब होता है 7 बैंड। अक्सर PT वो बच्चा करता है जो कमज़ोर होता है इंग्लिश में, जिससे लगता है कि मैं आराम से क्लियर कर लूँगा PT, और PT IELTS में जिसके 5 होते थे PT में 6 आ जाते थे। अब अगर आपको PT में 60 स्कोर लेने हैं ईच, उसका मतलब है IELTS के 7 बैंड। अब साल लगे रहेंगे फिर भी आपके 60 ईच बैंड आने वाले नहीं है स्कोर, इसलिए अपना समय वेस्ट मत करना। लोग बेवकूफ बनाएंगे, आप बनेंगे, भविष्य आपका खराब हो रहा है। कनाडा जाना है, चाहे आपकी उम्र 40 साल है, चाहे आपका वीजा 4 बार 5 बार रिफ्यूज है, चाहे आपके 40% नंबर है, कोई भी समस्या है, हल एक ही है, एक ही दवाई है, और वो दवाई है कि आप IELTS में 6 बैंड ले लो। IELTS के अंदर कहीं पे भी डिफाइंड नहीं हुआ कि एकेडमिक चाहिए या जर्नल चाहिए। आप GT IELTS कर लेंगे, उसके बेस पे भी आपकी फाइल SDS में लगती है। वो सारे भाई बहन, वो स्टूडेंट जिनके प्रॉब्लम आ रही है, जिनको IELTS में स्कोर करने के लिए वो PTE का माध्यम ले रहे थे, PTE के चक्कर में मत पड़िए। ऑलरेडी बड़ी दुनिया खराब हुई है, बड़े लोगों ने पैसे खराब करे हैं, समय खराब करा है। PTE बना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, 50 नंबर आते हैं PTE में तो ऑस्ट्रेलिया में दाखिला हो जाता है। कनाडा के अंदर कभी भी ये प्रेफर टेस्ट नहीं था, इससे फ्यूचर खराब होना, आपका समय खराब होना, इसलिए IELTS को ही तवज्जो दीजिए। IELTS में 6 बैंड ईच ले लीजिए, चाहे एकेडमिक ले लीजिए, चाहे जर्नल ले लीजिए। हम लेते हैं पैसे वीजा लगने के बाद। 40 साल उम्र है, अगर आपकी उम्र 40 साल है तो ऑब्वियसली 2-3 बच्चे भी होंगे, बीवी बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 बैंड IELTS में ले लीजिए। मेरे को कोई पैसा आपसे पहले नहीं चाहिए, आपसे पैसे तो भरवाऊंगा जब वीजा लगेगा। ना मेरी को फीस देनी है, ना ऑफर लेटर की देनी है, ना कॉलेज की देनी है। 6 बैंड एक चाबी है कनाडा के वीजे के ताले की। चाहते हैं आपकी किस्मत खुले, आप कनाडा के नागरिक बन जाएं, आप वहां काम करें, भाई बहनों के साथ रहें, आपको सारी खुशियां मिले, तो आपको दोस्तों IELTS करना है। PTE के चक्कर में अपना घर मत खराब कर लेना। आज कमर्शियल कारोबार है लोगों का, लोग अपना सेंटर चलाने के लिए आपको IELTS से PTE की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अट्रैक्ट करने के लिए लोग आपको बोलेंगे नहीं, कम पे भी आ जाएगा। कल क्लैरिटी दी है इमिग्रेशन ने कि अगर PTE एक्सेप्ट है तो PTE 60 नंबर पे एक्सेप्ट है, जो कि 7 बैंड बनते हैं IELTS के। सोच समझ के डिसीजन लेना, ये ना हो कनाडा जाने के चक्कर में तुम 1.5-2 लाख रुपए अपना खराब कर लो। मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो रियलिटी में होती है और फैक्ट के साथ देता हूँ।
कहीं पे भी आपको कोई नहीं बोलेगा कि पीटी मत करो। मैं क्लियर बोलूँगा, इससे बेड़ा घर कौन है आपका। अगर आप फ्लुएंट हो तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप सीधा जाके पेपर दो आइल्स का। आज मुझे काम करते हुए 16 साल हो गए। 16 साल के करियर में जो मैंने देखा है, हर कंट्री तवज्जो देती है आइल्स को। ये पीटी ठीक है, नया नया आया था, बट इसमें जैसी कपलेबाजियां हुई, जिस तरीके से लोगों ने होम एडिशन में घर बैठ के पेपर दिए, किसी का पेपर किसी ने दे दिया, इसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो चुकी है। इसके चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ आइल्स को ही तवज्जो दीजिए। अगर आपको कनाडा जाना है, पीटी को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता मिलती है, 50 नंबर से आपकी पीटी से ऑस्ट्रेलिया में फाइल लगती है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 50 नंबर चाहिए। आपकी 12वीं 2021 में है, फिर भी आपका दाखिला कराऊंगा। आप सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन कहीं भी जाना चाहते हैं, पैसा वीजा लगने के बाद। एक भी पैसा आपसे वीजा के पहले नहीं लिया जाएगा अगर आपने हमारे से फाइल लगानी है। साल 2014 में हमने पॉलिसी बनाई थी कि क्लाइंट से पैसे तो लेंगे जो वीजा लगेगा, क्योंकि आज समस्या थी सबसे बड़ी, जो भी आदमी अप्लाई करता है उसके लाखों रुपए खराब होते हैं। एक एजेंट द्वारा जब आपकी फाइल ली जाती है, उसमें ऑफर लेटर, रजिस्ट्रेशन फीस, कंपनी फीस, ये फीस वो फीस के नाम से आप 50,000 लाख रुपया दे देते हो। फिर काम शुरू होता है ठगी का, जिसमें फंड मैनेजमेंट होती है, जिसमें गैप मैनेजमेंट होती है, लाखों रुपया खराब हो जाता है, वीजा नहीं मिलता। पता होता है एजेंट को वीजा नहीं लगेगा, 2-4 रुपए डॉलर में ज्यादा लेके उसके पैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भेज दिए जाते हैं, कल को पैसे वापस नहीं आते, उस चक्कर में लोग खराब होते हैं। इसीलिए हमने पॉलिसी बनाई कि हमें क्लाइंट्स को रिजल्ट देना है। आज से 1.5 साल पहले लोगों ने देखा कि मॉन्ट्रियल के अंदर कनाडा में हजारों बच्चों के पैसे फंस गए, जो पैसे आज भी वापस नहीं हुए। जो पैसे आप दे देते हैं वो पैसे वापस लेने बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए मेरी बेनती है सब भाई बहनों से कि पहले तो ये पीटी के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपने पीटी कर ही ली है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखिए, कनाडा आपके लिए नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगानी है, हम 2021 वाली फाइल ले रहे हैं जो कोई नहीं ले रहा। अगर आपने प्लस टू 2021 करी है, आपको गोल गोल घुमाया जाएगा, यहां पैसे रख दे, वहां पैसे रख दे, गैप के पैसे रख दे, फंड के पैसे रख दे, जीटी के पैसे रख दे। एक भी पैसा आपने मुझे नहीं देना। एक महीने में वीजा आएगा, महीना बाद जब वीजा आ जाएगा तो हमें पैसे दे देना। किसी भी तरह की और जानकारी चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए। आपको पीटी से ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलेगा, कनाडा का नहीं मिलेगा। दोनों कंट्रियों में हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, पैसे लिए जाएंगे वीजा लगने के बाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चंडीगढ़ अमृतसर दफ्तर में आइए, जलंधर में आइए और अपना कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।